हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। जल्दी से आ जाइए, क्लास को करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल जल्दी से आ जाओ सभी लोग। उर्मिला जी आ गई हैं, राकेश उकई जी आ गए हैं। भैया कल 2 दिन 5 बजे क्लास हुई, तुम लोग कहाँ रह गए थे? ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मुझे सबके कमेंट्स नहीं दिख रहे, वही मैं देख रही हूँ क्या दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, एसएससी कॉम्बैट का 17 है भाई, कल एसएससी का मेगा कॉम्बैट है, प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। एसएससी का मेगा कॉम्बैट है और उसमें आपको 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करने, 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप है। 12 बजे होगा, करेक्ट 12 बजे होगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यूज कोड करना है, कोड यूज करना है SANGEETA संगीता, और कोई फीस कोई चार्ज नहीं है, और स्कॉलरशिप जीतने का पूरा पूरा मौका है आपके पास, है ना। इससे अच्छा डिस्काउंट कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए बाकी हमारे कोर्स जब भी आप परचेज करेंगे, जो भी ऑफर चल रहा हो उसके बाद भी आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे, कोड अप्लाई करेंगे और आपको यहां पर मिलने वाला है 10% का बिल्कुल ऑफ। ठीक है, चलो इसके बाद अगर बात करते हैं कि टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय संगीता मैम अन एकेडमी। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी का संस्थापक था? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज, सभी लोग आंसर दीजिए भाई, किसी के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझको, किसी सिंगल पर्सन के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं।
क्या बात है। चलो राइट आंसर इसका है सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, हैनीमैन। ये तो क्या लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान गणतंत्र संघ के संस्थापकों में से एक था? राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सूर्य सेन। प्लीज करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। हेलो स्टडी जी, चलो भाई राइट आंसर इसका राम प्रसाद बिस्मिल। करेक्ट आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आइए, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक कौन थे? चेरा, पांड्या, वर्धना या फिर चालुक्य। थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक कौन थे? चेरा, पांड्या, वर्धना या फिर चालुक्य। रामकिशोर मौर्य जी, वेरी 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 गुड गुड इवनिंग। दत्ता जी, गुड इवनिंग। ओके, उर्मिला, राकेश, शिवांश, स्टडी, सभी लोग आंसर दीजिए भाई, क्या है करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर इसका है वर्धना। आप लोग का आंसर नहीं दिख रहा है मुझको, क्या बात है। ओके, वर्धना इसका करेक्ट आंसर है, वर्धना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण के क्षेत्र का संस्थापक है? जीन पियाजेट, काई टी एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जंग। बताइए। करेक्ट आंसर बताइएगा सभी लोग। देखो सभी लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। ओके,
क्या बात है भाई, आंसर राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड है करेक्ट आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन संस्थापक और इंडियन प्रीमियर लीग का पहला अध्यक्ष और आयुक्त था? राज सिंह दुर्गा डूंगरपुर, संदीप पाटिल, ललित मोदी, जगमोहन डालमिया। बताइए बेटा। ऑल जीएस, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है इसमें। ऑल टोटल जीएस क्या सेशन है ये? देखो कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं आप लोग के। हाँ सो करेक्ट आंसर है ललित मोदी। ललित मोदी। ओके ललित मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? बताइए। भैया ऑप्शन तो तुम लोग का नाम कैसे ले लें बताओ? तुम लोग का कमेंट्स ही नहीं दिख रहा है मुझे किसी के, एक दो लोग के दिखते हैं। हाँ देखो छेदन प्रसाद जी का दिखा, मनीष जी का सी दिखा। आइए बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, छेदन प्रसाद का भी, मनीष कुमार का भी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? राम 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 राम। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए। कुतुब अलाउद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? सो करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का संस्थापक था? ठीक है, अब्दुल करीम खान, प्राणनाथ, इमदाद खान या फिर बड़े गुलाम अली खान। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। सो करेक्ट आंसर है अब्दुल करीम खान। गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद गवास, प्रोफेसर मोहम्मद जाहिर, प्रोफेसर मोहम्मद शाह या फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है?
करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, कुछ भी पूछ सकता है भैया, यही तो गेम है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय। तो मनीष कुमार गुप्ता, छेदन प्रसाद, स्टडी ताहिर अली दिनकर, गुरप्रीत सिंह, मनीषा पोरवार, हरीश शर्मा, अंशुमा यादव। सभी लोग आंसर दीजिए भाई। विकास ठाकुर। नहीं, ये तो पूरा मिक्स है, ये तो देखो ध्यान से। हाँ तो देख ले राइट आंसर। राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ओके क्लियर। तो बी छेदन प्रसाद जी का बिल्कुल सही है, मनीष कुमार गुप्ता जी का, स्टडी जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके अंशुमा अंशुमा यादव जी का भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, नानाजी देशमुख। बताइए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, नानाजी देशमुख। लाएंगे लाएंगे, वो भी लाएंगे विकास ठाकुर। सम्मिक से देते जाओ आंसर। चलो राइट आंसर ए बिल्कुल सही है, स्टडी रूमा मुर्मू जी एंड छेदन प्रसाद जी, मनीष कुमार गुप्ता जी, अंशुमा यादव जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? सर्गी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। ओके, चलो 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 चलो, राइट आंसर है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? Thank you.
बिल्कुल सही सजेशन किया है, पर आप लोग के कमेंट धीरे धीरे आते ना। अच्छा चंदू बाबू जी, ओके, सो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। इनमें से सभी करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गूगल के संस्थापक कौन है? बताइए गूगल के संस्थापक कौन है? जल्दी से, गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, बोथ एंड बी, स्टीव जॉब्स। मनीष कुमार गुप्ता जी का सी आया बोथ ए एंड बी, बाकी लोग। अरे ये देखो डी वाला ना, ए एंड बी नहीं है। ठीक है जय हिंद जय हिंद। वंदना प्रियदर्शी, रूमा मुर्मू, चंदू बाबू, वंदना प्रियदर्शी, चेतन प्रसाद, मनीष कुमार गुप्ता। ओके 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 ओके, चलो भाई राइट आंसर इस क्वेश्चन का है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लेडी सदाशिव अय्यर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, हेनरी लुई, विवियन देरी जियो या विलियम जोन्स। सो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है, लेकिन आपको 3 दिन क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास इसलिए मिलेगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, वहां पे नेट का इशू है, तो आपको प्रॉपर क्लास ना मिल पाने के कारण मैंने पहले से क्लास आपको दे दूंगी। ठीक है, इसलिए आपको शायद आपके एक एक आंसर का जवाब ना मिल पाए, बट आप लोग प्लीज उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। करंट अफेयर्स भी है, जीएस का भी क्वेश्चन है। ओके बाकी आपको 21 से रेगुलर क्लास मिलेगी 7:40 पर लाइव। ओके तो राइट आंसर है हेनरी लुई विवियन देरियोजी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल रूमा मुर्मू, स्टडी जी का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? सतीश चंद्र बासु, हेनरी लुई विवियन देरियोजो, श्रीमन नारायण गांधी, रोनाल्ड वेन। बताइए अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? सतीश चंद्र बासु, हेनरी लुई विवियन देरी जियो, श्रीमन नारायण गांधी, रोनाल्ड वेन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पढ़ लियो जाके। तो राइट आंसर ए है, वेरी गुड स्टडी रूमा मुर्मू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सतीश चंद्र बासु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पंचलाइट भी आ गए हैं, पंचलाइट गुलरी काकी। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, राधाकांत देव, सतीश चंद्र बासु, मदन मोहन मालवीय। सभी लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इसका राधाकांत देव, करेक्ट आंसर है राधाकांत देव। और जो कि फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था
1829 in Calcutta. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, विजया ले. बताइए बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अच्छा तुम ही हो जगबरन, आज पंचलाइट गुलरी काकी बन के आए हो, पा क्या बात है. मनीष कुमार गुप्ता का ए आया है, छेदम प्रसाद आजा क्या होता है, रूमा मुर्मू जी का ए आया, मनीषा पवार जी का बी आया है. मनीष कुमार गुप्ता जी का भी ए आया है. दिनकर जी का ए एंड बी आया है, ऐसा कैसे हो सकता है, ए होगा तो बी होगा. राइट आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह. अलाउद्दीन बहमन शाह इज अ करेक्ट आंसर. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये गुलाम वंश हैं के हैं. बहलोल लोधी हैं, लोधी वंश के, पता ही हुआ लोधी जब वर्ड आता है. और विजयालय हैं चोल वंश के. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट 2000 समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर. बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बताइए बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये इम्पॉसिबल है. राइट आंसर सी है. वेरी गुड उर्मिला देवी जी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सी, जेम्स आस्टस हिक्की. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा, राधा स्वामी नायकर, हरि सिंह, बी के नेहरू. बताइए मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा, राधा स्वामी नायकर, हरि सिंह या फिर बी के नेहरू. राइट आंसर देख लेते हैं. ए बिल्कुल सही है. शिवली दत्ता जी, उर्मिला जी, मनीष कुमार जी, जेशमत जे जेम्स वॉट जी एंड छेदन जी, बिल्कुल सही आंसर है सभी का. जितने लोगों ने ए दिया बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की? जेम्स आस्टस हिक्की, लाल डेंगा, राधा स्वामी नायकर, शिशिर कुमार घोष. 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए. चलिए मैं आपको बता देती हूँ, राइट आंसर देख लेते हैं क्या है. शिशिर कुमार घोष है, शिशिर कुमार घोष है. अच्छा 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था
और 1875 में भी आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये दोनों भी क्या करना है आपको, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं पंचलाइट जी बिल्कुल बुरा नहीं मान रहे। चलिए, बार्क के संस्थापक कौन थे, बार्क के संस्थापक कौन थे बताइए। बताइए बार के संस्थापक कौन थे। 22वें का बी आ रहा है वैसे सबका, छेदन जी का, मनीष जी का, रूमा जी का और मिला जी का, क्योंकि बिल्कुल सही है होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे। चितरंजन दास एवं बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू। चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एवं जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे। बिल्कुल, सो करेक्ट आंसर इज सी, सी सी सी, चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा के किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी। वर्ल्ड बैंक, WHO, FAO और या फिर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात करें, फिर आप लोग बता दीजिए, मैम मेरा एमटीएस का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, कुछ दिक्कत हुई होगी तभी रिजेक्ट हुआ है, ऐसे कैसे रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ आपने गलत भरा होगा, है ना। चलो राइट आंसर इज डी, बी नहीं है। दत्ता जी का बिल्कुल सही है और मिला जी का बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी वालों का ही सही है, रेड क्रॉस संगठन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, पता ही होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली। तो ये सब भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी आपको ये भी पता होगा कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट बंद कर दी है। कौन सी रिपोर्ट बंद थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये बंद कर दी है, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइएगा अगले क्वेश्चन का, एप्पल इंक के संस्थापक कौन नहीं है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक, रोनाल्ड वेन, मार्क जुकरबर्ग।
ओके, सो करेक्ट आंसर इज मार्क जुकरबर्ग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे बताइए? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ईश्वर राव गोटके, उर्मिला देवी, छेदन प्रसाद, दत्ता जी, मनीषा पवार, वीरेंद्र सिंह. सभी लोग आंसर देते हैं कैलाश, चंदू बाबू, पंचलाइट. सभी लोग आंसर दीजिए. बिल्कुल, छेदन प्रसाद जी का राजा राम मोहन राय, रोमा प्रसाद जी का राजा राम मोहन राय. मतलब मोस्टली लोग का आंसर सी आ रहा है. बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी राम किस पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी? काशी राम किस पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी बताइए. मैम जाना है मेला में नाच देखने, तुम नाच देखो चाहे खुद नाचो, आप बताओ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. मोस्टली लोग का आंसर बी आ रहा है, सबका मतलब बी ही आ रहा है. देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में भारत रत्न विजेता जो एक ब्राह्मण विकास संस्था के संस्थापक थे, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा. चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा सभी लोग. प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा. ठीक है, ओके, सो करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर दिया है आप में सभी ने, सही आंसर दिया है, वेरी गुड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2019 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? भगवान दास, आत्माराम पांडुरंग, लाला हरदयाल, रोनाल्ड वेन. चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर. ईश्वर राव गोटके, छेदन प्रसाद, उर्मिला देवी, दत्ता जी, वीरेंद्र सिंह, मनीषा पवार, उर्मिला देवी. सभी लोग आंसर दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. मनीष कुमार गुप्ता. अभी तो फिलहाल सबका आंसर बी आ रहा, देखना है बी सही है कि गलत है. सो बी नहीं है सही, ए राइट आंसर है, भगवान दास. सो भगवान दास बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आत्माराम पांडू नहीं सही है भाई. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, लैरी पेज, पॉल एलन या फिर ए एंड सी बोथ? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, लैरी पेज, पॉल एलन या फिर ए एंड सी बोथ? चलो भाई देख लेते हैं, ए एंड सी बोथ है. बोथ वाले बिल्कुल सही है, बाकी लोग गलत है. ठीक है, डी ऑप्शन सही है भाई, डी छेदन प्रसाद जी का सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किसके संस्थापक थे? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किसके संस्थापक थे?
रेड क्रॉस संगठन, सुलभ इंटरनेशनल, स्वराज पार्टी, बालिका विद्यालय, बताइए। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किसके संस्थापक थे? रेड क्रॉस संगठन, सुलभ इंटरनेशनल, स्वराज पार्टी या बालिका विद्यालय? इसके लिए अंकित जी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप उसके बाद भी अगर बाउंस हो रहे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको समझ में कम आता है, थोड़ा सा मेहनत करिए। डी आ रहा है, बट राइट आंसर इज बी, डी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड उर्मिला जी, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, डेनिस रिची, जॉन मैकार्थी, हेनरी ड्यूनेंट, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, डेनिस रिची, जॉन मैकार्थी, हेनरी ड्यूनेंट। जाओ देख लेते हैं, राइट आंसर इज सी, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? पॉल एलन, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंगम या फिर शिशिर कुमार घोष? दिवाकर दिनकर जी भी आ गए हैं, ओके, तो आंसर देते जाइए बेटा सभी लोग। ओके ओके, सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। करेक्ट आंसर सी है, रोशन कुमार जी आपका सही है, उर्मिला जी आपका सही है, दत्ता जी आपका सही है, रूमा मुर्मू जी आपका सही है, वीरेंद्र सिंह आपका सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव? खालसा पंथ की स्थापना किसने की, प्लीज राइट आंसर बताइए। मोस्टली लोगों का आंसर वैसे बी आ रहा है। आइए देख लेते हैं, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाश वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर इल्तुतमिश? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताइए। दास वंश की स्थापना किस, क्वेश्चन नंबर डालो, नहीं तो इसी आधे चक्कर यही है कि मैं नाम नहीं ले पाती हूँ, क्वेश्चन नंबर आप लोग नहीं डालते हो। अंकित, कैलाश, उर्मिला, रूमा, छेदन, जैनवल, रोशन, रूमा मुर्मू, मनु, अग्निहोत्री, सभी लोग कुतुबुद्दीन ऐबक दे रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एम एन रॉय, हेनरी लुई विवियन डेरियोजियो या फिर एम जी रनाडे, विलियम जॉन्स, बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
के ललित जी। सो करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापना किसने की? चितरंजन दास, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी, बताइए। अंबेडकर आ रहा है। ओके, सो करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड। सी वाले जैसे बिस्ला, प्रियंका, दत्ता जी, बिल्कुल सही आंसर जैसे दिया है। अंकित जी ने सही दिया है, छेदन प्रसाद जी ने सही दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1990 में सत्याग्रह की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, बताइए करेक्ट आंसर। फटाफट बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोखले जी, आइए देख लेते हैं। राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बात है, आवारा जीनियस, बिल्कुल सही आंसर। छेदन प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, भारती अलेक्जेंडर कनिंगम, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, बताइए। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अलेक्जेंडर कनिंगम, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। सो प्लीज करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो आप लोग दीजिए आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। देख लें, राइट आंसर है सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, बताइए करेक्ट आंसर। कोई टफ नहीं आए, बढ़िया क्वेश्चन है, सब जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। का हिंदी पढ़नी है का तुमको? हिंदी पढ़ा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। सही आंसर जो है वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
विक्रम सारा भाई, रतन टाटा, गोविंद स्वरूप, होमी जहांगीर भाभा, बताइए। ओके भाभी नहीं है भैया, भाभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल राजवंश के संस्थापक कौन था? गोपाल प्रथम, धर्मपाल, देवपाल या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। ओके 45 का ए आ रहा है, चलिए बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, सभी को वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल प्रथम, महेंद्रपाल, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तुम्हारे तुम्हारे पड़ोसी बेटे का नाम गोपाला है तो बताओ हम क्या करें इसके लिए। पहले वाला आंसर क्या था? गोपाल प्रथम था, इससे पहले वाला है होमी जहांगीर भाभा था। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन का आंसर पूछा आपसे, बताइए। राइट आंसर धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजयालया चोल, आदित्य प्रथम, परंतका चोल प्रथम, गंधरादित्य चोल, बताइए। 47 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, देख के मारते हैं और थोड़ा लेट आते शैलेश रंजन जी। सो करेक्ट आंसर इज विजिलिया चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था? कीर्ति वर्मन प्रथम, पुलकेशिन मंगलेशा, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? सिमका, कान्हा, सतकर्णी, शिव, स्वाति, सातवाहन
सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? सिमका, काना, सतकर्णी, शिव स्वाति। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन इज, पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? महालनोबिस, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, श्रीमान नारायण अग्रवाल। बताइए पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? महालनोबिस, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय। दिखा देंगे, कभी दिखा देंगे, अभी पढ़ लो। ओके सो करेक्ट आंसर इज सी, एम एन रॉय। ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लग करना क्या है, लाइक। लाइक के संग संग क्या करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना है, बेल आइकन क्लिक करना है और हमें कहना है आप लोगों को थैंक यू। और कोड का यूज करना है, कोड है SANGETA। और मैं आपको बता दूं कल SSC कॉम्बेट है जिसमें आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। सो प्लीज SSC कॉम्बेट में जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि कोई फीस कोई चार्ज नहीं, सिर्फ मेरा कोड अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ कोड अप्लाई करना है। हाँ उसी टाइम पे रहेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जरूर कॉम्बेट में, SSC कॉम्बेट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। 12 बजे होगा दोपहर में, 12 बजे। तो 8 बजे वाली तो क्लास हो रही है उर्मिला जी, कहाँ कल 2 दिन नहीं हुई, 5 बजे ले ली थी, बट बाकी तो इसी समय रहेगी, आप परेशान मत होइए। ओके ठीक है ना उर्मिला जी, आप टेंशन मत लीजिए, रहेगी इसी समय क्लास, परेशान मत होइए। अरे उर्मिला जी क्या बात कर दी आपने, बस आप लोग सेटिस्फाई रहिए। ओके बाय 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 बाय।